भागलपुर की हवाई सेवा प्रारंभ कराने को लेकर कई दलों के राजनेताओं ने भागलपुर वासियों से कई वायदे किए, लेकिन सारे वायदे हवा हवाई हो गई। अब हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति के लोग भगवान भरोसे हो गए हैं। कभी बूढ़ानाथ मंदिर में हवन करते दिख रहे हैं तो कभी मस्जिदों में इबादत करते दिख रहे हैं। इसी बाबत आज गिरजाघर में उन लोगों ने जीसस क्राइस्ट से प्रार्थना की कि भागलपुर में जल्द से जल्द हवाई सेवा प्रारंभ हो। हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति के अधिकारियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सभी दलों के राजनेता फेल हो गए, तब हम लोगों ने भगवान का साथ लेना शुरू किया है। हमें उम्मीद है भगवान हमारी जल्द सुनेंगे। इसी को लेकर आज गिरजाघरों में भी हम सबों ने प्रभु से प्रार्थना की है कि जल्द भागलपुर से हवाई सेवा प्रारंभ हो। ऐसे कार्यक्रम में दर्जनों समाज से भी शिक्षाविद एवं शहर के प्रबुद्ध जनस्वार्थी ही स्वात हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति के कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद थे। विवेकानंद, बीएनपी न्यूज, भागलपुर। नेता मांगेंगे कि भागलपुर से अविलंब हवाई सेवा की बहाली हो। इसी क्रम में मैं चाहूँगा कि हमारे बीच पादरी साहब हैं, वो दो शब्द इस हवाई सेवा संघर्ष समिति के लिए कहें। जी, हमारे ये हवाई जहाज संघर्ष समिति के तत्वाधान में और लगातार ये 33 दिन हम लोग धरना पे बैठे हुए थे, जो कि गांधीवादी के आधार पर हम लोग धरना पे बैठे हुए थे। उसके बाद संसद साहब के कथानुसार हम लोग जो धरना तोड़े हैं, धरना मतलब अभी स्थगित किए हैं, तोड़े नहीं हैं, और उसी को लेते हुए जो हमेशा हम लोग मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर हर जगह पे जा रहे हैं, हर जगह पे दुआ मांग रहे हैं भगवान से, अल्लाह से, जिस सबसे जो कि ये जिस तरह का भी हम लोग का विघ्न बाधा जो आ रहा है ये हवाई जहाज संघर्ष समिति में, और जो भी हम लोग का प्रोसेस आगे बढ़ना चाहता है, और राजनीति की बराबर ये भेंट चढ़ रहा है लगातार 50 सालों से। भागलपुर में हवाई जहाज के लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमेशा राजनीति की ही भेंट चढ़ जाता है ये, तो वो विघ्न बाधा के लिए हम लोग ऊपर वाले से दुआ मांगते हैं कि ये विघ्न बाधा जो है दूर हो और जल्द से जल्द हमारे भागलपुर में हवाई जहाज शुरुआत। आज भागलपुर की इस धरती पर हम लोग लगातार 33 दिन से जो हम लोगों ने घंटाघर चौक पर धरना देने का काम किया कि भागलपुर से हवाई जहाज शुरू हो, वो कार्य करने के बाद हम लोगों ने जितने भी यहाँ पर मंत्री थे इस भागलपुर की धरती से उन लोगों के पास जाने का भी हमारे शिष्टमंडल ने काम किया। अब हम लोग जो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है और चर्च है, वहाँ पर भी हम लोगों ने मत्था टेकने का कार्य शुरू कर दिया है। और हम लोगों की सबसे बड़ी बात है कि भागलपुर की महिलाओं की, भागलपुर की बच्चों की, भागलपुर के व्यापारियों की, भागलपुर की शिक्षाओं की, भागलपुर की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की, सारे लोगों की मांग है कि भागलपुर से जल्द हवाई सेवा शुरू हो। कमल जायसवाल जी के नेतृत्व में, आनंद भैया के नेतृत्व में हम लोग एकदम कदम से कदम मिलाकर चलने का कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पर जो हमारे फादर, हमारे गॉड यहाँ पर हैं, हम लोग उन लोगों से विनती कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग रोज़ प्रे करें कि भागलपुर से जल्द हमारा हवाई सेवा शुरू हो, और इसकी मांग को वो लोग भी अपने स्तर सर से सामने रखें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं। भागलपुर में हवाई जहाज की उड़ान शुरू हो, 33 दिनों का हमने गांधी के सत्याग्रह का आंदोलन इसी घंटाघर से किया, और सत्याग्रह करने के बाद हम लोगों को जो आश्वासन मिला भारत सरकार के मंत्री से, हमारे भागलपुर के सांसद से, उन तमाम बातों पर हमारे जनप्रतिनिधि खरा नहीं उतरे। इसके कारण जब हमने धरती के लोगों से मिलने का काम कर लिया तो हम लोगों को लगा कि नहीं, धर्म में हमारी आस्था है और धर्म हमको जोड़ता है, धर्म हमको तोड़ता नहीं है। इसलिए हम लोगों ने मंदिर में हवन के लिए गए, मस्जिद में गए, और आज आप देख रहे हैं कि हमने प्रमोद भैया से, डॉक्टर आनंद मिश्रा ने संपर्क किया, मिट्ठू से किया, और गिरजाघर में भी आकर चर्च में हमने इनके साथ अनुनय विनय करते हुए आज भागलपुर के लोक हित में, जनता के हित में, आज जो आप देख रहे हैं इनकी जो प्रार्थना हो रही है, जो हमारे सामने पादरी जी हैं, हम उनका भी अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। हमारे भूतपूर्व सैनिक भी यहाँ पर आए हुए हैं, सक्षम फाउंडेशन आए हुए हैं, हमारे प्रोफेसर मनोज जी आए हुए हैं, सुबोध जी आए हुए हैं, हमारे विजय यादव जी आए हैं, विनय सिन्हा जी आए, सुबोध मंडल जी आए, मैं किस किस का नाम बोलूँ, सारे लोग। हमारे भागलपुर हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति का एक ही मांग है कि भागलपुर से अविलंब हवाई जहाज का उड़ान शुरू हो।
सेवा संघर्ष समिति है, इनका जो प्रयास है सराहनीय है और ये बहुत ही ज़रूरी है कि अभी के समय में जैसे यहाँ से हवाई यात्रा होना चाहिए, एक हवाई अड्डा होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी परेशानी होती है लोगों को दूर दूर से। यहाँ से पटना जाने में भी बहुत तकलीफें होती है, जो ट्रेन की सेवाएं हैं वो सुविधा नहीं दे पाती है। इसलिए जो हम ये सराहनीय प्रयास कहेंगे आप लोगों के लिए जो आप जो कर रहे हैं, तो परमेश्वर की हमारी दुआ रहेगी कि आपका जो ये संघर्ष है, ये जो प्रयास है, यथाशीघ्र सफल हो, ऐसा हम दुआ करते हैं, कामना करते हैं, क्योंकि ये लोकहित में है और लोकहित में जितने भी कार्य हों किसी भी द्वारा, किसी के भी द्वारा, किसी के भी संस्था के द्वारा, वो सचमुच में सराहनीय है और इसको परमेश्वर पिता भी निश्चित रूप से हमें अपने आशीष से अभिभूत करेंगे। आइए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करें।